Hello, welcome student. We are back on back at our BGA class. We continue our lesson the overflow. We are talking about a person who is very simple, very innocent. बहुत सीधा अच्छा व्यक्ति है और वो ओवरकोट हमने कहानी में इतना सारा देखा है कि उसको ओवरकोट सिलाना है, वो टेलर के पास गया है। अभी हम इन प्रीवियस क्लास में हम देख रहे थे कि उसे किस तरह की सेविंग करना पड़ेगी, उसे क्या क्या पैसे कलेक्ट करने के लिए, 80 रिवर्स कलेक्ट करने के लिए उसको कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, उसने कितना एक प्लान किया था प्लान टू हाउ टू सेव मनी फॉर ओवर कोट। ओके, फिर हमने इसमें ये भी देखा था, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप घर पर इसको स्टडी कर रहे होंगे, अगर आपने नहीं स्टडी किया है तो आप इसको स्टडी कीजिए और उसको समझिए उस बात को कि कितनी मेहनत लग रही है उसे कुछ पैसे कलेक्ट करने के लिए। करेक्ट, फिर हम यहाँ पर हम अब देखेंगे कि कंटिन्यू करेंगे, वी आर कंटिन्यूइंग अवर लेसन्स फ्रॉम पेज नंबर 14। अनदर 2 or 3 months ऑफ पार्शियल फास्टिंग एंड द कके हैड एक्चुअली सेव्ड अप नियरली 80 रुपीज। द वेरी फर्स्ट डे ही सेट ऑफ द कंपनी विद द पेट्रोविक टू द शॉप, दे बॉट सम वेरी गुड क्लोथ। अभी उसने 2-3 महीने मेहनत करने के बाद, कोशिशें करने के बाद, उसने कोशिशें क्या क्या करी थी, उसने कैंडल नहीं जलाए थे, घर में लाइट नहीं थी, उसने लेडी के साथ काम किया था, उसके अगर कुछ इम्पोर्टेंट काम होता था तो वो उसके घर जाकर और उसके घर के कुछ काम करके और ऐसे वो कुछ मैनेज कर लेता था चीज़ों, घर में कपड़े ज़्यादा ऐसे पहनता था कि जिससे कपड़े ज़्यादा घिसे नहीं, ख़राब ना हो, क्योंकि अगर ख़राब होगा उसे लॉन्ड्री में देना पड़ेंगे, लॉन्ड्री में देना पड़ेंगे मतलब वॉशिंग प्रेस क्लीनिंग सभी का खर्चा होगा, वहाँ उसने सेव करा मनी को। फिर उसने चलने में, आप सोच सकते हैं कभी ऐसा उसने कैसे चला, वो चलने में वो अपने पैरों को ऐसे आहिस्ता रखता था, ऐसी ऊबड़ खबर या ऐसी प्लेन जगह पे हमेशा चलता था जिससे उसके शूज सैंडल्स फुटवेयर जो भी उसके फुटवेयर हैं वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो इसने काफ़ी सारी छोटी 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 बातों को वहाँ पे उसने हमें बताया कि हम कहाँ कहाँ सेव कर सकते हैं, हमारी पॉकेट मनी होती है, हमारी सेविंग होती है, हमारी अर्निंग होती है, हम उसको कैसे सेव कर सकते हैं ये हमको उसमें बताया। ओके, फिर एट लास्ट एक रिजल्ट, एक अच्छी बात, उसके पास 80 रुपीज हो जाते हैं, वो टेलर के पास जाता है, फिर अच्छा सा कपड़ा खरीदते हैं। द पेट्रोविक वर्क एट द ओवरकोट फॉर 2 whole weeks। जो टेलर है उसने 2 whole week उस ओवरकोट को बनाने में समय दिया। फॉर देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ क्विल्टिंग, अदरवाइज इट वुड बी हैव बीन फिनिश्ड सूनर। ही चार्ज 12 रुपीज फॉर द जॉब, इट कुड नॉट पॉसिबली हैव बीन डन फॉर लेस। इट वॉज ऑल सीव्ड विद सिल्क एंड स्मॉल डबल सीम्स एंड द पेट्रोविक वेंट ओवर ईच सीम्स आफ्टरवर्ड्स विद हिज ओन टीथ स्टैम्पिंग इन वेरियस पैटर्न। मतलब क्या हुआ, उसका मीनिंग ये हुआ कि जो टेलर था उसको भी कहीं ना कहीं उस चीज़ में इंटरेस्ट आया कि मैं इसको कैसे सिलूं, क्योंकि वो जानता था कि जिसका ये मैं कर रहा हूँ उसके पास इतनी आसानी से पैसे नहीं आए, वो बहुत मेहनत करके बहुत कोशिशें करके वो कुछ कलेक्ट कर रहा है ना, और वो उसको उसमें यहाँ पर बताया कि उसने कितनी मेहनत से इसे डबल सिल्क के धागे से उसने पूरा उसको ओवरकोट को डिज़ाइन किया, उसको सीला है ना, सारी चीज़ें उसमें उसने करी, वेरियस पैटर्न उसमें उसने को डालने की कोशिश करी, चीज़ों को उसने वहाँ पे मैनेज किया। इट वाज इट इज़
difficult to say precisely on what day, but probably the most glorious one in Akaki's life, when Petrovic at length brought home the gold. ये तो नहीं मालूम कि कौन सा दिन था, लेकिन जो भी दिन था बहुत बढ़िया था, बहुत खुशी का दिन था. एट लास्ट ओवरकोट बनकर तैयार हो चुका था. वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत खुशी वाला दिन था. ऐसा होता है ना हमारे पास भी कि कई बार हम क्या बोलते हैं, मम्मी या पापा को हम या हमारे पेरेंट्स को हम कई बार बोलते हैं कि कोई चीज़ खरीदने के लिए बोलते हैं, वो हमें कुछ बात बोलते हैं, लेकिन एक लंबे समय बाद अगर वो चीज़ हमें मिलती तो उसकी खुशी हमें बहुत अलग होती है. आप सभी के साथ कहीं ना कहीं कई बार कुछ ऐसा हुआ होगा कि वो चीज़ मिली होगी जिसके लिए आपने बहुत प्रयास करे, है ना. ऐसे कुछ वहाँ पर ये बातें हुई. फिर he bought in it in morning before the hour when it was necessary to start for the department. अभी वो सुबह सुबह वहाँ पर आया उसके पास, हमारे हीरो के पास, कोर्ट को लेकर, है ना, मॉर्निंग में वो समय जब उसके डिपार्टमेंट जाने का अभी समय होता है. नेवर डिड एन ओवरकोट अराइव सो एग्जैक्टली इन द निक ऑफ टाइम, फॉर द सीवियर कोल्ड हैड सेट इन एंड सीम टू थ्रेटन टू इंक्रीज. मतलब क्या हुआ कि उस जो समय में उसने सील के दिया था, जनरली उतने समय में वो चीज़ होती नहीं थी, उसको और ज़्यादा समय लग सकता था, लेकिन उसने उस समय में उसको तैयार कर दिया था और अब वो वहाँ पर उसको लेकर पहुँचा था. पेट्रोविक बॉट द ओवरकोट हिमसेल्फ एज बिफिट्स अ गुड टेलर. अभी वो खुद उसको लेकर वहाँ पर आया था एक अच्छे टेलर के नतीजे के तौर पर, एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर वो खुद उसके वहाँ पर उसको लेकर गया था. ऑन हिज काउंटेनेंस वाज सिग्निफिकेंट एक्सप्रेशन. अब जैसे वो वहाँ पर जाता है तो दोनों के जो एक्सप्रेशन है, टेलर के भी और अकाके के भी, वो बहुत वहाँ पे हम खुशी भी देख सकते हैं, वहाँ पे हम दोनों एक दूसरे के प्रति कोई भाव नहीं, वो उसकी खुशी देख रहा है, वो उसकी खुशी देख रहा है, वो उसको अच्छा लग रहा है, उसको अच्छा देखकर उसको भी अच्छा लग रहा है. मतलब एक दूसरे के प्रति उनकी दोनों की एक भावना बहुत अच्छी बनी हुई और वो काफ़ी सारे एक्सप्रेशन आश्चर्य के भी देख रहे हैं, खुशी के भी हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं. और फिर क्या हुआ कि ही सीम फुली सेंसिबल दैट ही हैड डन नो स्मॉल डीड and crossed the gulf separating tailor who only put in linings and execute repair for those who make a new thing. मतलब क्या, एक टेलर के लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी, वो टेलर कोई ऐसा टेलर नहीं था. अगर कोई और व्यक्ति होता तो शायद वो इतना ध्यान नहीं देता उसकी बात पर, उसके लिए इतनी मेहनत नहीं करता. वो एक सामान्य सी घटना थी कि हम ये किसी ने कुछ कपड़ा दिए हैं सिलने के लिए, उसने सिल के उसको दे दिया, लेकिन उसके लिए उसके मन में एक अच्छी भावना. टेकिंग आउट द ओवरकोट ही गेज प्राउडली एट इट, हेल्ड इट अपॉन द बोथ हैंड एंड फ्लंग इट स्किलफुली ओवर द शोल्डर. अब उसको बड़े सलीके से कोट को बाहर निकाला जाता है और उसके कंधे पे ऐसे करके डाल दिया जाता है, मतलब उसको बड़े एक सहानुभूति तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से उसको वो पहनाता है. वो बहुत खुश है, बहुत खुश है. ये बात छोटी सी ओवरकोट की, लेकिन उसको मालूम है कि मैं ओवरकोट खरीद रहा हूँ या सिलवाया है, इसको जो मैंने तैयार किया कितनी मुश्किल आई है मुझे उसके लिए. वहाँ पर वो चीज़ बहुत सेंसिबल है, वो खुशी, वो टाइमिंग, वो मोमेंट, है ना. फिर देन ही पुल्ड इट एंड फिटेड इट डाउन बिहाइंड विथ हिज हैंड. उसने उसको ऐसे पहनाया अच्छे से और पूरा उसको फिट किया, ऐसे से
आपने देखा ना कोट पहनते समय उसको पूरा ऐसे 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 करके उसको हमको पूरा फिट करना होता है, सेट करना होता है ना। फिर क्या हुआ कि एंड इट ड्रेप इट अराउंड अकाके विदाउट बटनिंग इट, अकाके लाइक एन एक्सपीरियंस्ड मैन। उसको भी बहुत मतलब एक फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, और नया कोट बिल्कुल बढ़िया से पहन के उसको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत एक्साइटेड हो रहा था। Got it? Then, we used to try the sleeves. Patrick helped him on with them, and it turned out that the sleeves were satisfactory also. In short, the overcoat appeared to be perfect and most seasonable. उसकी फिटिंग, उसकी चीजें एकदम परफेक्ट, एकदम गुड लुकिंग। उसको अपने आप में एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी क्रिएट हो रहा था, नया कपड़ा नया उसको पहन के, उसको मेहनत का पहन के उसको एक अच्छी सी फीलिंग भी आ रही थी। ठीक है, फिर ही पेड हिम, थैंक हिम, उसने उसको पे किया, उसने उसको थैंक किया, एंड सेट आउट द वंस इन हिज न्यू क्लॉक फॉर द डिपार्टमेंट। पेट्रोविक फॉलोड हिम एंड पोशिंग इन द स्ट्रीट। उसने उसको थैंक किया, वो वहाँ से चला, पेट्रोविक जो टेलर था वो उसके साथ स्ट्रीट तक गया और खड़े होकर उसको जाते हुए देखने लगा। गेज लॉन्ग एट द ओवरकोट इन द डिस्टेंस, आफ्टर विच ही वेंट टू वन साइड एक्सप्रेसली टू रन थ्रू अ क्रूक्ड एलाय एंड इमर्ज अगेन इनटू स्ट्रीट बियॉन्ड द गेज वंस मोर अपॉन द ओवरकोट फ्रॉम अनदर पॉइंट नेमली डायरेक्टली इन फ्रंट। मतलब क्या, मतलब वो बहुत सारी बातें वो देख रहा था, वो चला जा रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें उसके दिमाग में, और वो नया ओवरकोट पहन के कोई नई चीज़ के लिए वो चला गया। टेलर अपना कुछ बातें सोच रहा है और वो अपना एक नए से चला गया। एट लास्ट, मेहनत का फल मीठा होता है, अगर हमें मीठा फल चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगी, प्लानिंग करना पड़ेगी। पेट्रोविक जैसा कोई टेलर, कोई व्यक्ति हमारे पास हेल्प के लिए हमेशा तैयार होता है, लेकिन उसका फल हमें जब भी मिलेगा जब हम मेहनत करेंगे, कुछ डिसाइड करेंगे, व्हेन वी प्लान समथिंग एंड वी डू इट व्हेन इट इज सीरियसली, जब हम उसको सीरियसली करेंगे। ओके, तो एट लास्ट ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी, यू लाइक इट। आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी आप इसको पढ़िए, आप ज़रूर पढ़िए, आपकी बुक में देखिए, इसको अच्छे से पढ़िए, उसके जो डिफिकल्ट वर्ड है, मीनिंग है, उसको डिक्शनरी से फाइंड आउट कीजिए, है ना। अगर आपको अच्छा लगता है आप उसको लाइक कीजिए, वीजीए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो स्टूडेंट नहीं देख रहे हैं उनको भी आप उनको बोलिए कि वो देखें, वो पढ़ें, वो सुने और वो समझें। ओके, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आप इसको लेसन को पढ़ेंगे, लेसन को पढ़ने के बाद इसकी एक जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन नेक्स्ट सेशन, इन नेक्स्ट क्लास वी ट्राई टू सॉल्व अवर एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू वेरी मच।